गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन जल्दी गर्म हो जाता है दिन के समय। तो ऑब्वियसली लैंड क्योंकि वहाँ पर सन रेजेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वहाँ पर ये जो सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वो काफ़ी समय तक गर्म बना रहता है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। डस लैंड एंड वाटर गेट हीटेड इक्वली बाय द सन? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिटरमाइन वेदर लैंड एंड वाटर गेट हीटेड इक्वली बाय द सन। थिंग्स रिक्वायर टू मेटल बाउल, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, मेथड पुट सम सॉइल इन ए बाउल, पुट सम वाटर इन द अदर बाउल। दो बाउल ले लिए, एक में सॉइल रखे और एक में है वाटर। क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। आफ्टर टू और थ्री आवर्स फील ईच बाउल, विच ऑफ दीज बाउल इज वार्म टू टच। नाउ पुट दीज बाउल इन ए रूम अंडर ए फैन, कीप टच, विच बाउल कूल फास्टर। द बाउल विद सॉइल हीट्स फील वार्मर एंड ऑल्सो इट कूल फास्टर। मतलब कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसे कहते हैं लैंड ब्रिज। और जो सन से जो वेव्स निकलती हैं, सन से विंड्स, सन वो सी की तरफ जो वेव्स जाती हैं, सी से निकल रही हैं, उन्हें सी ब्रिज कहते हैं। दिन के समय ये फिनोमिना होता है। लैंड हीट ऑफ फर्स्ट फास्टर, लैंड्स जो होती है वो जल्दी गर्म होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। इट आल्सो लूजेस हीट क्विकली। तो हम एक परफॉर्म करते हैं कोस्टल एरिया में जहाँ पर समुद्र है। ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया हीटेड अप फास्टर देन द सी। ठीक है, द हॉट एयर फ्रॉम अबव द लैंड राइजेज अप, द कूल एयर फ्रॉम द सी पुशेस रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस एज अ रेन रिजल्ट विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। बेटा क्या होता है, दिन के समय जो सी होता है वो बहुत जल्दी दिन के समय ठंडा रहता है पानी। ठीक है, और वहाँ से जो दिन के समय पानी जो होता है वो ठंडा होता है। तो कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड, तो कूल एयर हमेशा नीचे की तरफ, ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है। और लैंड्स गेट हीटेड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन। जब लैंड्स हीट होता है तो जो हॉट एयर मूव्स अप। ठीक है, तो जो स्पेस खाली हो गया उसकी जगह पर क्या आ जाएगी? कूल एयर फ्रॉम द सी। तो ये फिनोमिना किस टाइम देखने को मिलता है? दिन के समय, इसे कहते हैं सी ब्रिज। ठीक है, अंडरलाइन करो कि बेटा एज विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। एट द नाइट द लैंड कूल फास्टर देन द सी। The air above the sea water is warmer than the air above the land. तो अब दिन के रात के समय सी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हॉट एयर राइजेस होती हैं। ठीक है, और द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, जो ठंडी हवाएँ लैंड की तरफ की होती हैं वो रशेस टूवर्ड्स द सी एज ए रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। बेटा सी से गर्म हवाएँ उठती हैं, वो किधर की तरफ मूव करेंगी? ऊपर की तरफ। और जो लैंड से जो हवाएँ कूल एयर होगी वो किधर मूव करेगी? सी की तरफ। इसे कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, दिन के समय लैंड गर्म होता है और रात के समय लैंड ठंडा हो जाता है। तो लैंड से जो कोल्ड एयर होती है वो उठती है और जो सी से ठंडी वो वार्म एयर ऊपर गई है उसकी जगह पर कोल्ड एयर आ जाती है, इसे कहते हैं लैंड ब्रिज।
So if you got my point, don't forget to subscribe my channel and also write down your name in comment box. Thank you.